हरी सिंह की फिल्म उजड़ा चमन कल यानी 1 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई है। फिल्म में सनी सिंह ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाते हैं जिसके सिर पर बाल नहीं है। ऐसे में वो बहुत ज्यादा परेशान दिखते हैं। बाल सिर पर ना होने से वो कॉन्फिडेंस नहीं है और उसके कई सारे काम भी नहीं बन पा रहे हैं। इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों की तरफ फैंस काफी ज्यादा रुख कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में आयुष्मान खुराना की बाला भी रिलीज होने वाली है। दोनों फिल्मों को लेकर कुछ दिन पहले सुनने में आया था कि फिल्म के कॉन्सेप्ट एक जैसे हैं। ऐसे में उजड़ा चमन के मेकर्स ने आयुष्मान की फिल्म पर चोरी का आरोप लगाया। ऐसे में अब कौन सी फिल्म बेहतर होगी ये देखने के लिए लोग थिएटर्स पहुँच रहे हैं। इससे पहले भी सनी सिंह अपनी प्योर एक्टिंग कैमरा के सामने दर्शकों को दिखा चुके हैं। दर्शक इस फिल्म को लेकर मान रहे हैं कि उजड़ा चमन बॉक्स ऑफिस पर अच्छी चल सकती है। अब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने पहले दिन में लगभग 5 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है और आज भी अब तक ये फिल्म 4 करोड़ रुपए कमा चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि उजड़ा चमन और बाला में से कौन सी मूवी ज्यादा हिट होती है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के साथ। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए PMS मीडिया।